तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। कोरिया रियासत के द्वारा आजादी के पहले मनेन्द्रगढ़ के मेन मार्केट और उससे लगी बस्ती को विधिवत रियासत की जमीन देकर बसाया गया था, लेकिन राजस्व विभाग की गलती के कारण बाजार क्षेत्र के सभी निवासी मालिक होते हुए किराएदार की श्रेणी में आ गए हैं। वहीं जमीन संबंधित कार्य जैसे जमीन खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी लोन जैसे कार्यों के लिए लोग भटक रहे हैं और जमीन के मालिक होते हुए नजूल कब्जाधारी कहलाने लगे हैं। इसे लेकर नजूल संघर्ष समिति संयोजक, व्यापारी संगठन चैंबर एवं व्यापारी संगठन कैट के वरिष्ठ सदस्य विधायक के नेतृत्व में रायपुर पहुंचे और राजस्व सचिव से मुलाकात कर शहर की समस्या से अवगत कराया। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री की सहमति के बाद जल्द ही जमीन का मालिकाना हक देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो पूरा मनेन्द्रगढ़ शहर है ये राजा साहब के समय का बसाया हुआ है और हम लोग जो हैं 1925-30 के बासिंदे हैं। राजा साहब ने यहाँ अलाट किया था और 1959 एक्ट के आधार, लैंड रेवेन्यू एक्ट के आधार पे सब बाकी जो भूस्वामी बन गए थे। अब इसमें सन 2000 के लगपेट में किसी आरआई ने इसमें लीज दर्ज लिख दिया, ना कोई केस चला, ना कोई न्यायालयीन केस चला, ना आदेश हुआ और उसने लीज दर्ज कर दिया। क्या है कि मैं 2009-10 से 2014 तक लगातार इस संबंध में पूरे मनेन्द्रगढ़ का 1943 से 2010 तक का पूरा रिकॉर्ड नजूल का नकल लिया, पूरे कानून की जानकारी ली, विधि विशेषज्ञों से सलाह ली। अब पूरी सलाह के बाद मैंने तत्कालीन कलेक्टर को और तत्कालीन एसडीएम संजीव झा को ज्ञापन दिया, उनको मांग रखी कि मनेन्द्रगढ़ के लोगों को राजा के टाइम से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी धारक हैं वो, जिनको त्रुटिवश अधिकारता रहित आदेश के द्वारा लीज धारक बना दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में जो लगभग 30-40 वर्षों से एक मामला लंबित है और पूरे के पूरे जो बाजार के हमारे रहवासी हैं मनेन्द्रगढ़ के, लगभग 1000 परिवार का जो भूमि स्वामित्व का मुद्दा है वो लंबित था, पेंडिंग था। अभी हम पूरा सर्वे करा के कलेक्टर से प्रस्ताव पारित करा के अभी राजस्व सेक्रेटरी से हम लोगों की बात हुई है, मैं गया था। बहुत जल्दी जो वर्षों की मांग थी जो सबसे